गढ़ा मोड़ से मंजूर जट की रिपोर्ट के मुताबिक गढ़ा मोड़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दो रोज कबल लाखों रुपए की मालियत की चोरी करने वाले मुलजिम गिरफ्तार। मोटरसाइकिल, जेवरात, कपड़े, नकदी सामान बरामद कर लिया गया। मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। दो रोज कबल पुलिस थाना गढ़ा मोड़ की हदूद और चक 86WB के रिहायशी सऊदी पैलेट नासिर मुगल के करनामारों तीन चोरों ने रात की तारीकी में ताले तोड़कर लाखों रुपए की मालियत के जेवरात, नकदी और मोटरसाइकिल चोरी कर लिया था, जिस पर पुलिस थाना गढ़ा मोड़ ने कार्रवाई करते हुए मुखबिर की इत्तला पर पुलिस थाना गढ़ा मोड़ के इंचार्ज SHO शबीर अहमद डोगर और सब इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान की निगरानी में SI मोहम्मद रमजान ने भारी नफरी के हमराह छापा मारकर चक नंबर 86WB से मुमताज बलचुकत अली किलर को गिरफ्तार कर लिया और सिरका सामान बरामद कर लिया। मुलजिम ने मजीद दो चोरों की निशानदेही भी की और मुलजिम के कब्जे से चोरी शुदा मोटरसाइकिल, तलाई जेवरात और सामान भी बरामद हो गया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। इस मौके पर SHO थाना गढ़ा मोड़ शबीर अहमद डोगर ने कहा कि घर से सामान चोरी करने वाले ने शहर में खौफ और हरास फैला रखा है, उनको नहीं छोड़ेंगे। पुलिस के इस इकदाम को शहरियों और सिविल सोसाइटी ने सराहा।